विश्वास बनाना है। समय आया देवराज, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा तो शिव तत्व को प्राप्त होगा। एक बेलपत्री की पत्ती, एक बेलपत्र, एक पत्ती, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव साधारण नहीं होती। एक जीव जो मनुष्य की जो देह है ना, इससे चार स्थान पर रोज पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। चार स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, गैस जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। स्त्री, किसी पुरुष को हमने कहा कि जब रोटी बनती है, चूल्हा जलता है, लकड़ी में आग लगती है, तब पाप माथे चढ़ता है, तो पुरुष ने कहा हम तो रोटी बनाते ही नहीं है, नारी स्त्री रोटी बनाती है, अगर नारी रोटी बनाती है तो सारा पाप उसी के माथे चढ़ता होगा, सारा पाप उसी के माथे पर चढ़ता होगा। जब स्त्री रोटी बना रही है, नारी रोटी बना रही है, तो पाप उसके माथे चढ़ता होगा। पर इनको बताए कौन? हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का आप लोगों ने दर्शन किया? गोरखनाथ जी का फोटो देखा है? गुरु गोरखनाथ एक हाथ में कमंडल रखते हैं, दूसरे हाथ में चिमटा रखते हैं। क्या रखते हैं? चिमटा। चिमटा देखा है? महिलाओं के पास में चिमटा रहता है, रसोई घर में क्या काम आता है? रोटी को सेकने का। संत भी चिमटा रखते हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? संत भी चिमटा रख रहे हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रख रहे हैं, और घर की नारी भी चिमटा रखती है। कभी स्त्री से पूछना कि तुम ये चिमटा क्यों रखती हो, और वो भी गैस के पास, चूल्हे के पास, किस लिए रखती है, क्यों रखती है? जैसे गुरु गोरखनाथ जी की जहां पर सुंदर, गोरखनाथ जी की जहां पर सुंदर आनंद के साथ में मंदिर होता है, और वहां पर एक सुंदर धुनी जलती रहती है, उस धुनी में एक चिमटा फंसा रहता है, धुनी में जो बल मिलता है उस चिमटे के बल पर मिलता है, तो वहां की जो भस्म होती है, वहां की जो भभूति होती है, वो हमको सुख, एनर्जी और रोग से मुक्ति देती है। एनर्जी भी देती है और रोग से मुक्ति भी देती है। क्या होता है उस चिमटे से? क्यों स्त्री के हाथ में वो चिमटा गया? कभी सोचा? कभी विचार किया? संतों की कृपा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते एक स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने देखा कि यह नारी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। घर का भोजन बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ध्यान देना, चार स्थान पर व्यक्ति से पाप होता है। पहला झाड़ू लगाने की जगह, दूसरा अग्नि जलने के स्थान पर पतंगे जल जाते हैं, तीसरा पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, स्नान आदि कर्म करते समय, पोछा लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है, और चौथा स्थान बताया चलकर जाने में पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चार स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता है। गुरु गोरखनाथ जी ने उस स्त्री को देखा, उसके उसको देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने देखते ही अपनी आंखों में जल भर लिया कि ये नारी जगत का कल्याण करने वाली, इसके गर्भ में जो संतान जन्म लेती है वो विश्व का कल्याण करती है, और इस नारी के पास में पाप भ्रमित हो रहा। जल का वो कपड़े धोती है, जीव मरता उसका पाप माथे, अग्नि जलाती उसका पाप माथे, झाड़ू लगाती उसका पाप माथे, दिन भर चलती उसका पाप माथे, चरण के नीचे जीव मर जाते। इस स्त्री का कल्याण कैसे हो सकता है? इस नारी का कल्याण कैसे हो सकता है? गुरु गोरखनाथ बाबा ने उस नारी के हाथ में, बस उसी समय नारी के पास में गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सूचना पहुंचाई कि नारी अगर एक जैसा चिमटा मैं रखता हूं और चिमटे से पाप दूर भाग जाता है, वो चिमटा अगर नारी के रसोई घर में होता है तो पाप दूर भाग जाता है।
कितनी माताएं बैठी हैं जिनके घर में है, रोटी कई काम लेती हो ना, उसको कहां रखती हो, रसोई घर में, गैस के पास, पास में रखा रहता, कहीं टंगा रहता, कहीं पास, जहां अग्नि है, जहां चूल्हा है, उसके पास में चिंता। कहने वाले कह देते हैं नारी को पवित्र माना गया, कहने वाले कह देते हैं नारी के ऊपर पाप की गठरिया, ना ना, मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने स्त्री को भी पवित्र कर दिया और उसके पाप की गठरिया को आधा कर दिया, मेरे गुरु गोरखनाथ जी स्त्री को पवित्र कर दिया। शिव के अवतार है गुरु गोरखनाथ, भगवान शंकर के अवतार, किसी का दुख, गुरु गोरखनाथ जी किसी के दुखी के दुख को देखकर स्वयं गोरखनाथ जी भी दुखी हो जाते और विचार करते रहते थे गुरु गोरखनाथ की इसको सुख कैसे मिले, इसको सुख का अनुभव कैसे हो। तो जिन पुरुष कहे कि कोई पुरुष कहे कि स्त्री रोटी बनाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, झाड़ू स्त्री लगाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, कपड़े स्त्री धोती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, तो ये अंदाजे में मत रहना, चिमटा है, चिमटा। ऋषि संत साधु नागा साधु तपस्वी साधक उपासक भजन करने वाले अपने हाथ में चिमटा रख लेते। किसी ने पूछा स्त्री चिमटे से रोटी पकड़ती है, संत क्या पकड़ते हैं? हम कहते हैं वो भगवान की भक्ति को पकड़कर जनमानस का कल्याण कर देते हैं। जनमानस आप लोग देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का कहीं कोई ऐसा फोटो भी देखना जहां शंकर जी समाधि में लीन है और शिव जी के पास में चिमटा रखा, देखा है कभी? दर्शन करें ऐसे फोटो के, दर्शन कभी करे हो आपने? शिव जी समाधि में लीन, त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी समाधि में लीन है और उनके पास में चिमटा गड़ा हुआ। सुख प्रदान कर देवराज, तो यहां वर्णन चल रहा था कितना भी पाप मस्तक पर हो, एक बेलपत्र जब हम देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जल जब शंकर भगवान पर चढ़ता है, बेलपत्र छुआ हुआ वो जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल वो जब थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर थोड़ा सा छीट लेते हैं या आचमन करते हैं, वो जल बेलपत्री के स्पर्श का होता है। देवराज के मस्तक पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव आती है और देवराज तुरंत शिव के धाम चले जाते हैं, और हम प्रतिदिन अगर बेलपत्री के जल का थोड़ा सा भाग अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो कई रोगों से हमारी मुक्ति हो जाती है, रोग हमारे नजदीक नहीं आते, रोग हमारे करीब नहीं आते। अष्ट विनायक में एक विनायक सबसे प्रबल विनायक, अष्ट विनायक में सबसे प्रबल, जहां के वृक्ष भी मोर का रूप लेकर आवाज लगाते हैं शिव जी को, जहां की नदी सिंधुरासुर असुर के कारण करहा रही है, तो उस नदी का नाम भी करहा पड़ गया। ऐसे देवाधिदेव महादेव, ऐसे मेरे शिव, ऐसे मेरे ओघड़ी, शंकर की पवित्र पावन भूमि मयूरेश्वर, महा भगवान श्री मयूरेश्वर गणेश विनायक, अष्ट विनायक में एक विनायक। हजारों बेलपत्री के वृक्ष थे, हजारों बेलपत्री के वृक्ष मोरगांव के अंदर, हजारों, और शिव जी की अति प्रिय भूमि थी मोरगांव, अति प्रिय भूमि पूना के इस पवित्र आनंद में, पूना के इस जिले के अंदर, पुणे के अंतर्गत ये मयूरेश्वर सुंदर गणेश जी के अष्ट विनायक में एक विनायक है। शायद हमारे हिसाब से तो अष्ट विनायक की पहली यात्रा यहीं से प्रारंभ होती होगी, जहां तक अगर विचार हो तो मयूरेश्वर से ही प्रारंभ होगी, अष्ट विनायक की पहली दर्शन यात्रा अगर कोई निकलती होगी तो मयूरेश्वर से निकलती होगी, पहली मयूरेश्वर आता होगा, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे गणेश। क्यों? हजारों बेलपत्री के वृक्ष, शिव जी की परम प्रिय भूमि,
आज देवादी महादेव ने माता पार्वती जी को साथ लिया। जिस समय पर देवराज के प्राण छूट गए, शंकर भगवान ने देवराज को नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर देवराज को लेकर कैलाश धाम चले गए, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया। भगवान शंकर से प्रश्न कर रही हूं, मां पार्वती, मां जगत जननी, मां जगदम्बा, बाबा ये देवराज तो महापापी था, इसने तो धन चुराया लोगों का, वैभव चुराया लोगों का। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, आप जब भी कथा सुनने के लिए किसी पंडाल में जाओ, चाहे सियोर वाले महाराज के यहाँ कथा में आओ, चाहे किसी महाराज के यहाँ जाओ, चाहे भागवत सुनने जाओ, चाहे रामायण सुनने जाओ, चाहे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, हम दूसरी पुराण से हम ये नहीं कहेंगे कि भागवत में या रामायण में तुम जेवर पहनकर जाओ कि ना जाओ, पर शिव महापुराण में कभी भी कथा सुनने आना तो सोने का कोई जेवर, कोई सोने का मंगलसूत्र हो, सोने की चैन हो, सोने का हार हो, या VIP कोई चीज हो, तो वो कथा के, ये अग्नि का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिया ऐसा सर करो, नीचे से पकड़ के सर करो, बस ठीक है। शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाना, सोने का ज्यादा आभूषण नहीं, कुछ नहीं सोने, मेरे ओघड़ी जैसे जाओ। हम शंकर जी को दिखाने जा रहे हैं कि शंकर जी से मांगने जा रहे हैं, हम शिव जी से कहने जा रहे हैं कि तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तो कुबेर का भंडार भरने वाला है, तो साधारण नहीं है, हम तेरे चरणों में आए हैं और जो देगा तू देगा। यहां आने से पहले आप जी सोने की चेन मेन मंगलसूत्र भाग जो भी सोने का सामान है आपके पास में, जो आर्टिफिशियल है वो पहन, पर यहां सोने का आभूषण नहीं, उसके द्वार पर आ रहा, कारण तुम्हारा कोई सामान चले गया तो तुम्हारा दिल दुखेगा, और तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा, सबसे ज्यादा दिल मेरे महादेव का दुखेगा कि इसकी कोई वस्तु यहां आई थी और चली गई, दिल महादेव का। और एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, चोटों की तो आदत रहती है, वो आते हैं, जैसे कथा सुनने धर्मात्मा आते हैं, पुण्यात्मा आते हैं, संस्कारवान लोग आते हैं, बड़े पुण्य वाले लोग आते हैं, तो कथा सुनने चोटे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। पर एक बात बताओ, चोटों ने ना जाने कितनी कथाओं में कितनी चेन काटी होगी, एक चेन अगर काटी होगी तो लाख रुपए की होगी, बोलो तो सही है कि गलत है, जम के तो बोलो जरा, सही है ना, 150,000 रुपए की एक चेन काटी होगी, एक कथा में ना जाने कितनी चेन काटी होगी, अभी तक तो चोर भी करोड़पति बन गया होता, पर आज तक चोटा चोटा ही दिया, आज तक चोटे से प्रमोशन नहीं कर पाया, और जिनकी चली भी गई देवाधिदेव महादेव ने उसको और दो तोला बढ़ाकर उसके गले में डलवा दी, ये चली भी गई तो उसने दे, पर चोटे का प्रमोशन नहीं। तो मेरा निवेदन है चोटों से कि तुम्हारा प्रमोशन आज तक नहीं हुआ और ना होगा, अगर किसी का दिल दुखाओगे तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, ये निश्चित रखिए, आप सुखी रहे। हम शिव महापुराण की कथा कहती है अड़भंग शिव है, अड़भंग शंकर की भक्ति में जब जाना, शंकर की भक्ति में जब पहुंचना तब अपने हृदय से पहुंचना, दिखावे से नहीं, शंकर को छल की जरूरत नहीं है, शंकर को छल नहीं चाहिए, शंकर को एक लोटा जल चाहिए, छल से कभी शिव प्रसन्न नहीं हुआ, शंकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता तुम्हारे छल से। शिव की प्रसन्नता ही सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। ना तो यहां पर कोई बेल है, ना भभूति है, ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई कुछ भी यहां पर नहीं है, शिव महापुराण में कुछ भी नहीं, शंकर जी को दिखावा प्रिय नहीं है तो हम दिखावे की बात क्यों करें, यहां तो केवल एक चीज चलती है, मुख से निकला हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा है तुम्हारे हाथ में एक लोटा जल, बस इससे तुम दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हो, दुनिया में जैसे शिवाजी महाराज के पास में क्या था, शिवाजी के पास में क्या था, एक बार शिवाजी ने अपनी माता से पूछ लिया, मां अगर दुश्मन प्रबल भी है, बहुत प्रबल दुश्मन है, और उस दुश्मन को भी आधा करना हो, मैंने
कथाओं में सुना है मां, जब बाली के सामने कोई जाता था तो उसका बल आधा बाली में चला जाता था, बाली आधे बल को खींच लेता था। तो मां, अगर संसार सागर में हमारे पास इतना तप नहीं है, हमारे पास इतना बल नहीं है, फिर भी सामने वाले दुश्मन के बल को अगर आधा करना है और अपने बल को प्रबल करना है तो युद्ध के मैदान में करा क्या जाए। तब शिवाजी की माता ने केवल एक नारा शिवाजी को दिया था, हार हार महार। एक नारा शिवाजी को दे दिया, शिवा जब तू टूट पड़े, तेरे सामने तेरे हाथ में अगर तलवार भी नहीं हो तो महादेव के नाम को पुकारना, सामने वाले का बल आधा हो जाएगा और तू विजय होकर आएगा। तू विजय माहिल्या, माहिल्या विधव्य हो गई, माहिल्या विधवा हो गई, अकेली रह गई। जीतूंगी कैसे, इधर से लोग आक्रमण कर रहे, उधर से लोग आक्रमण कर रहे, सामने से लोग आक्रमण कर रहे, माहिल्या की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया गया, अकेली माहिल्या अपने बेटों को देखकर दुखी हो रही है, आंखों से आंसू बह रहा था अहिल्या के। तब अहिल्या ने याद किया, मेरी मां कहती थी अगर तेरे पास में शंकर है, शिव है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तेरे इस सिंहासन पर राज्य कर ले। अहिल्या ने सोचा ऐसा, मां के शब्द माता अहिल्या को याद आए और मां अहिल्या अपने हाथ में शंकर के शिवलिंग को उठाकर चारों तरफ से जब द्रोही सेना लेकर खड़े हो गए, तब माहिल्या शिवलिंग को हाथ में लेकर खड़ी हो गई। द्रोहियों विचार करने लगे कि इधर से हमारी सेना लेकर आ रहा है, उधर से ये सेना लेकर आ रहा है। माहिल्या की सेना उस समय पर तैयार नहीं हो पाई युद्ध के लिए, क्योंकि चारों तरफ से द्रोही चढ़ रहे थे। हुआ क्या, माहिल्या ने अपनी माता के शब्द याद करे कि एक शंकर का शिवलिंग अगर तुम्हारे पास में है तो वो द्रोहियों के लिए हथगोले और बम के बराबर है। और माहिल्या ने वो शिवलिंग अपने पास रखा। इधर से जो सेना आई वो इधर की सेना से भिड़ ली, पीछे की सेना आगे की सेना से भिड़ ली और सिंहासन माहिल्या का फिर बच गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव के लिए, केवल एक शिव तत्व के लिए, एक शंकर का शिवलिंग। आप लोगों ने माता अहिल्या की मूर्ति का दर्शन किया है कभी, माता अहिल्या के फोटो का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या की मूर्ति ऐसी कभी नहीं बनी जिस मूर्ति में माता अहिल्या के हाथ में शिव जी नहीं। माता अहिल्या का ऐसा कोई फोटो नहीं मिलेगा जिसमें माता अहिल्या के हाथ में शंकर का शिवलिंग नहीं। क्यों? क्योंकि माता अहिल्या कहती है ये शिव तत्व मेरे भीतर है, इसलिए आज मैं राजमाता बनकर बैठ सकी। एक विधवा, एक बेधव्य जिसका पति चले गया हो, वो नारी अपने आप को अकेला समझती है। अब होगा क्या, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, क्या होगा? उस नारी को चाहिए तुम अकेले नहीं हो, बोल बम का नारा है और बाबा एक शिव तत्व तुम्हारे भीतर है, शंकर तुम्हारे अंदर है, उस शिव तत्व को तुम्हें प्रकट करना है, उस शिव तत्व को तुम्हें प्रसन्न करना है। की कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। वो घड़ी है शंकर, वो त्रिकालदर्शी है शिव, उसको पहचानो। लोग हंसेंगे, शिव महापुराण से ऐसा हो सकता, शंकर की ये इतने पत्र, ये तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी आखिरी दिन तक तो ढेर लगना, ये पत्रों को हम पूरा नहीं पढ़े हैं, इन पत्रों को पूरा नहीं पढ़ा, जब हाथ में आएंगे पढ़ेंगे, उसका स्मरण करें, इनमें लिखा उसने अपने हृदय की बातों को लिखा है। लोगों क्या दिया देवाधिदेव महादेव, और आज आप लोग इस कथा को पुणे की इस पावन धरा पर बैठकर श्रवण कर रहे हो ना सांगवी में। अगली कथा अगर महाराष्ट्र में कहीं पर भी होगी ना, एक पत्र तुम्हारा भी वहां पर लिखा हुआ आएगा कि मेरे को बाबा ने ये दिया, ये कृपा मेरे बाबा ने करी है। ये नासिक से आई बहन लिख रही है, केवल 15 दिन मांगे थे डॉक्टर से, केवल 15 दिन, ये 15 दिन दे दो फिर हम किडनी का भी ऑपरेशन कराएंगे और उस गठान का भी ऑपरेशन कराएंगे, केवल 15 दिन। अब 15 दिन में इसका कितना विश्वास होगा उस देवाधिदेव महादेव के प्रति कि वो करेगा, वो साधारण नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है,
पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा भोलेनाथ आप ये पापी जीव को लेकर आ गए, ये देवराज ब्राह्मण था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर इसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया, लोगों की दिल दुखाया, जान दुखाई, चोरी करके लाता था, कितना दिल दुखता होगा जिसके घर से चोरी करके लाता हो, कैसे कैसे व्यक्ति जोड़ जोड़ के एक रुपया इकट्ठा करे और चोर लेकर चले जाए तो उसका दिल कितना दुखता हो, हृदय कितना दुखता हो। कितना दिल दुखता होगा, कितना हृदय द्रवित होता होगा। महाराज कभी हमारा दिल दुखता है एक घोड़े को देखकर उस पे लोग बैठकर जा रहे हैं, एक बैल, एक बैल वो गाड़ी को खींचकर लेकर जा रहा है, चलाने वाला उसको मार रहा है, दिल दुखता है। पर कभी उस बैल के पूर्व के जन्म के क्रम को उठाकर देखना तो विष्णु पुराण में लिखा है कि ये जितने योनियां मिलती हैं ये योनियां अगर घोड़ा बना और उस पर चाबुक पड़ रहा है, कोई बैल बना उसको लोग डंडे से मार रहे हैं, कोई जानवर उसको लोग पीट रहे हैं, वो चले जा रहा है, आंख से आंसू बहते चले जा रहे हैं, इनको देखो तो अपने को दिल दुखता है कि ये क्यों मार रहे हैं। पर विष्णु पुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है, पूर्व में इसने किसी का दिल दुखाया था, इसलिए वो जिसका दुखाया था वो कोड़े से पीट पीट कर उसको चला रहा है, इसने इसका खाया था इसलिए उससे वापिस ले रहा, ये कर्म की गति। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म की गति को भोगना पड़ता, भोगना पड़ेगा। एक कथा पहले कही है आपके स्मरण में होगी, एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहां गए, सेठ जी बड़ा दयालु था, कोई उधार मांगने आता था तो उसको दे देता था, सेठ जी मेरी बेटी की शादी है ले जा, कब देगा, ये जन्म में देगा कि वो जन्म में देगा। जो ईमानदार होता था वो कह देता था यही जन्म में दे दूंगा, जो खाने की नियत रखता था वो कहता था अगले जन्म में दूंगा, उसको मालूम है कि अगला जन्म किसने देखा, सेठ जी उधार दे देता था। अब उधार देता रहा देता रहा, एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत धन है, उधार देता है, तो चोर ने कहा चलो अपन उधार भी ले लेंगे तिजोरी भी देख लेंगे, रात को जाएंगे सब माल चुरा लेंगे। चोर गया, सेठ जी मेरी बेटी की शादी है 25,000 रुपए की जरूरत है। सेठ जी ने कहा ले ले, ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा। अब चोर तो चोर, उसने कहा अगला जन्म किसने देखा, सेठ जी अगले जन्म में दूंगा, ठीक है ले जा, दे दिया। उसने तिजोरी देख ली, रात को चोर आया चोरी करने के लिए, सेठ जी क्या बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी, उस भैंस के तबेले में चोर घुस गया। उसने कहा सेठ जी जाएंगे रात को इनकी तिजोरी का माल चुरा लूंगा। रात हो गई, सेठ जी जाने लगे, सेठ जी जैसे ही गए आपस में भैंस सब बात करने लगी, एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा क्यों री भैंस जी जी तू कितने साल से दूध दे रही है। उसने कहा 4 साल हो गए। एक कहती है मुझे 5 साल हो गए, कोई कह रही मुझे 3 साल हो गए, सब आपस में बात कर रही थी। एक बूढ़ी भैंस बैठी थी मुंह से जुगाली कर रही थी। किसी ने पूछा भैंस अम्मा, ओ भैंस अम्मा, इतने में भैंस बोली क्या है ये बताओ, अपन इतनी सारी भैंस इस सेठ जी के यहां दूध क्यों दे रही हैं। इसने में भैंस बोली ये सेठ बहुत चतुर है, उधार देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे, जो इस जन्म में नहीं देता अगले जन्म में अपने जैसी भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता, देना पड़ेगा इस जन्म का, इस जन्म में देते चलो
पहले भी कथा में कहा, कपड़े पर कॉफी गिर जाए तो अभी की अभी धो लो, चाय गिर जाए तो अभी की अभी धो लो, सब्जी गिर जाए तो अभी की अभी धो लो, 2-3 घंटे के बाद चाय धोगे तो दाग धुलेगा? बोलो बोलो जम के बोलो रे, नहीं धुलेगा। चाहे तुम अच्छे पाउडर से धो, चाहे कैसे भी धो, चाय गिरी तुरंत धोया चाय साफ, कॉफी गिरी तुरंत धोया कॉफी साफ, सब्जी गिरी तुरंत धोया सब्जी साफ, बाद में धोगे तो वो दाग रह जाएगा। इसलिए पाप अगर अभी करो तो अभी साफ करो, अभी। लोग कहते हैं, सियोर वाले महाराज कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो रोज मंदिर जाया करो, क्यों जाए हम मंदिर रोज? रोज चाय गिर रही है, रोज कपड़ा तुरंत साफ करो, रोज मोबाइल पे दिन भर झूठ बोलते हो इसलिए एक लोटा जल चढ़ा के साफ। कितना झूठ! अभी अभी वो तो भगवान भला करे, वो पायलट का वो तो गाड़ी ला रहा था, एक गाड़ी वाला पीछे डब्बा बंधा और यहाँ ऐसा कुछ लगा उसके कान में, भगवान जाने क्या क्या फंसा के रखे, ऐसे कान में यूं बोलता भी जा रहा, बड़बड़ करता जा रहा, हमारी भाषा में तो सुना। जब वो गाड़ी के पास में थोड़ी देर खड़ा हुआ तब वो बोल रहा था कि मैं यहाँ सांगवी तक पहुँच गया, चिंचीवाड़ा क्या बोले, हाँ जो भी है तुम समझ गए ना, बस बाकी जाने दो, तुम्हारा समझना जरूरी है, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। हमने पायलट से पूछा, क्यों रे भैया ये कौन सा एरिया है? तो कह मिलिट्री का एरिया, बता। और बोला भी चिंचीवाड़ा कौन सा बड़ा है, तो ये कहाँ पर है? तो कि गुरुजी वो तो 5-6 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा अब भी बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और खड़ा मिलिट्री एरिया में। हमने कहा कितना झूठ बोल रहा है। तो हमने पायलट से कहा जरा गाड़ी रोक, अपन कह देते हैं एक लोटा पानी चढ़ा दे, आज की आज साफ धुल जाए। अभी चाय गिरी अभी धो लो, पानी की सब्जी गिरी धो लो, अभी की अभी कॉफी गिरी धो लो, कपड़ा साफ। रोज पाप करते हो तो रोज शंकर जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा के अपने पाप को रोज धो लो, कपड़ा साफ, रोज साफ क्लीन। फिर तो लोग भी तुमसे पूछ लेंगे जैसे पुराने जमाने की टीवी पे पूछते थे, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे। बस फिर कोई भी तुमसे पूछ लेगा, कमला बहुत पीट पीट दिख रही हो, कोई भी पूछ लेगा। तो तुम कह सकती हो ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है, एक लोटे जल की चमक है जो मेरे चेहरे पर चमक रही है। फिर कह सकते हो क्रीम की चमक 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, आखिरी तक चमकता है। और तुम देख लो, तुम खुद देख लो, एक होती है सास एक होती है बहू, बहू को देखना तुम कितना मेकअप करती तब चमकती, और सास को देखना ओल्ड इज गोल्ड, कितनी चमकी सास, एकदम चमक। सास कुछ नहीं करती, बस ऐसे बाल माल को लगा लोगों के बिंदी लगा के उके होठ भी अगर ऐसे थोड़े बहुत रूखे रह जाए तो थूक निकाल के पोछ पोछा के, और सास तो 1-2 घंटे तक ऐसी कुछ भी नहीं करती तुम्हारे, जैसे कि 1 घंटे तक तुम पहले लाइन खींचाओ फिर वहां डब्बा भरो, ऐसी सास नहीं करती। सास तो एक ही बार में ऐसे लिपस्टिक भी ले ली तो लगा के जो देखे वो जा। सास तो साथ, उसको कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारी चमक तुम्हारे पास, पर जो बुजुर्ग है उसके चेहरे की जो चमक होती है वो चमक इन मेकअप से नहीं होती, बुजुर्ग की चमक भगवान की भक्ति से तीव्र बन जाती है, शिव तत्व से तीव्र बन जाती है, शंकर की उदारता से तीव्र बन जाती है। ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। तो ये हम अगर आज पाप कर रहे हैं तो आज धोते चलो, हम आज झूठ बोल रहे हैं आज पुण्य करते चलो, आज हमने गलत किया तो उसको पुण्य करते चलो। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया, याद हो ना, अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा में। देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये तो पापी जीव है, चोरी करता था गलत काम करता था, और इसको तुम नंदी पर बिठाकर लेकर आ गए, इसको तुम यहां लिया नंदी पर बिठाकर लेकर आ गए, नंदी पर लेकर आयो।
अब शिवजी बोले इसने जो पुण्य करा वो सुन। इसने एक पुण्य प्रबल करा, चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ा, शिव पुराण की कथा चल रही थी, दो क्षण की श्रवण कर ली, शरीर लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दुबक कर बैठ गया, प्राण वहीं छूट गए, बेलपत्री की छांव इस पर पड़ गई, इसलिए इसको कैलाश का धाम मिल गया, शिव का धाम मिल गया। अच्छे कर्म मरते मरते कर लिए तो पुण्य भागी बन गए, श्रेष्ठ उसको मिला, सुख की अनुभूति उसको, आनंद की अनुभूति। बोल गंगेश्वर महादेव की, हर हर गंगे। शिव तत्व की प्राप्ति है। पार्वती जी ने शिव जी से जब बात करी, संवाद किया, कहा, निवेदन करा, प्रार्थना, बाबा मेरे एक मन है। शिव जी ने पूछा, क्या क्या पापी से पापी जीव भी अगर बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे आ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, क्या उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है? बाबा कहते हैं, सुनो पार्वती, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, या उसने आंगन में या घर में बेलपत्र ना लगाई हो, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, बगीचे में, बाग में, सरोवर के तट पर, बावड़ी के तट पर, जंगल में, कहीं किसी स्थान पर अपने जीते जी अगर उसने एक बेलपत्री का पौधा लगाया होता है, शिव जी कहते हैं उस जीव का दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो शिव धाम को चला जाता है, शिव धाम को चला। कुछ पुण्य करते चलो अपनी जिंदगी का, कुछ अच्छा कर्म करते चलो अपने जीवन का। आप लोग अगर शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हो, हम आपसे कहते हैं कि दो पानी की बोतल लेकर आना, अपना साथ कुछ शिव भक्तों का मुंह झूठा कराने का लेकर आना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि मिला मौका, अपने नगर में अगर कोई आया है तो भूखा ना रहे, एक बिस्कुट का पुड़ा ही दे देना, भले एक टॉफी दे देना, पर मुंह झूठा जरूर। आज एक और बात कहेंगे, इस बारिश के मौसम में अगर कथा सुनने आओ तो छाते भी दो लेकर, कम से कम अगर कहीं बैठे हो और कहीं नहीं है पंडाल में व्यवस्था, नहीं हो पाई कोई व्यवस्था, तो आप ले भैया तू लेके बैठ जा, हम जाए जब हमें दे देना हो, वापिस हमें देना, हम वापिस रख ले, फिर दूसरे बैठने का साधन। अरे भोले भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे, दूर करो दुख मेरा। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, पापी से पापी जीव का कल्याण है बेलपत्र। हाँ, जब से शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर खा लेना चाहिए, बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, सबके लिए जो हमने कहा, जब से शिव महापुराण की कथा में कह रहे हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, तब से कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चालू हो गया कि बेलपत्री में ऐसा क्या है, शंकर पर चढ़े हुए जल में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष का गला हुआ जल शंकर को चढ़ाने पर पीने में, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, कई रिसर्च सेंटर रिसर्च करने में लग गए। और जब वो रिसर्च करे तब उनको मालूम पड़ा कि एक बेलपत्री में वो बल होता है कि थायराइड, शुगर और बीपी को कंट्रोल कर लेता है, तब उनको मालूम पड़ गए। शंकर भगवान पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल में वो तेज पुंज होता है, शिवजी पे चढ़े हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ती, धतूरा चढ़ता, पुष्प चढ़ता, उसका जो जल अगर मिल भी गया, स्पर्श हुआ, जल भी हमारे को प्राप्त हुआ है, तो उसका फल क्या हुआ, उसको आनंद प्राप्त। एक पत्र आया है,
डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल नासिक महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हूं। गुरुजी मैं होम्योपैथी डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल गुरुदेव, हम लोग दवाई से बीमारियां ठीक कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव जीवन में बीमारियों से ज्यादा जिनको चुनौतियां आ जाती हैं, जहां एक लिखा पढ़ा इंसान भी निराश हो जाता है, मेरी लड़की, हम डॉक्टर हैं गुरुदेव, इलाज करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, बहुत मरीज भी आते हैं, ठीक भी होते हैं। मेरी लड़की हर्षा जो अच्छी पोस्ट पर काम करती है, सर्विस बहुत अच्छी है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, पत्रिका दिखाई, जन्म कुंडली बनवाई, फिर भी लोगों ने कहा इतने महीने हो जाएगी, ये हो जाएगी, सालों निकल जाते थे, नहीं हुई। तब किसी ने कहा, दवाई लेने आने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि बेटी के लिए चिंता करती हो, और उससे हम बात कर रहे थे अपनी बेटी के लिए, और चिंता करती हो तो मालेगांव में कथा होने वाली है शिव महापुराण की, एक दिन की सुन लो ना। गुरुदेव डॉक्टर हैं, समय नहीं मिलता हमको, कैसे जाएं, पर पंडाल में कथा सुनने, वो भी शिव पुराण सुनने जाना, ये किसी बड़े युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि पंडाल में एक तो बैठने की जगह देखना, दूसरा इतनी भीड़ में पहुंचना, तीसरा जाकर वापिस लौटना, बहुत कठिन काम है शिवपुराण में जाना। और फिर भी मैं प्रयास करूंगी, आप कर रहे हो तो मेरी बेटी के लिए मैं उस पंडाल में पहुंचूंगी। मालेगांव के कथा के पंडाल में मैं गई, एक दिन की कथा सुनी, उसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया गुरुदेव, मैंने अपनी बेटी से कहा तूने सारे व्रत कर लिए, जगह जगह जाकर पूजन कर लिया, अब एक बार वो सीओर वाला महाराज कथा में कह रहा था पशुपति व्रत का, वो कर। पहला पशुपति व्रत मेरी बेटी ने और हमने करा, दूसरा पशुपति व्रत आया और मेरी बेटी के लिए संबंध आया, जो मेरी बेटी की पोस्ट थी उससे दुगनी पोस्ट पर लड़का काम करता था, और बाबा की कृपा से संबंध पक्का हुआ। पांचवा व्रत के दिन ही मेरी बेटी की सगाई हो गई और उसका विवाह ऐसा जोरदार हुआ कि हम सोच नहीं सकते थे। ये शिव तत्व क्यों घड़ी है शंभु? एक लाइन गुरुदेव, मैं डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, आज मैं देवाधिदेव महादेव से इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूं कि दुनिया का सारी समस्या का हल है तो वो महादेव के चरणों में है। ये शिव तत्व है शंकर, ओ घड़ी है शिव, आपकी भक्ति जितनी आप दिल से कर सकते हो, कथा तो टीवी पर भी आएगी, कथा तो बहुत सारे, पहले लोग भागवत करते थे, अब तो लोग इस कथा को शिव महापुराण को सुन सुन के लिख लिख के, अब सब जितने भागवत वक्ता के साथ में कहें तो वो सब शिव वक्ता भी हो गए, सब शिव पुराण करने लगे, सब कथा करने लगे, पर दिल से अगर आप सुन रहे हो, दिल से श्रवण कर रहे हो, और इसका गौरव होता है हमको कि लोग कम से कम शिव पुराण बाँचने तो लगे, जब टीवी पर खोलो तो कम से कम शिव पुराण सुनने को कई महाराज अब बोलने तो लगे, पहले तो लोग शिव पुराण को छूते तक नहीं थे, घर में नहीं लाते थे, लोग पढ़ते नहीं थे, शंकर के मंदिर कौन जाता था? आप अपने क्षेत्र में जहां जहां से आई हो, आपके मोहल्ले में शंकर के मंदिर पुराने समय में निकाल कर देखना, कोई नहीं जाता, केवल सावन में शिवरात्रि पर चले गए या सोमवार को चले गए तो चले गए, बाकी के रोज नहीं जाते। आज के समय में शंकर जी के मंदिर में कम से कम 2 या 3 मिनट तक तुम्हें खड़े रहना पड़ता है जल चढ़ाने के लिए, ये प्रभु की कृपा, ये उदारता शिव की। दिल से अगर सुन रहे हो शिव महापुराण की कथा, हृदय से सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, पंडाल में जगह नहीं तो बाहर बैठकर सुनो, अपनी एक बिछाने का साथ लाकर बैठो, आसन लगाओ, छाता लगाओ, प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करते हुए भाव से सुनो, खाली नहीं छोड़ेगा, शिव है वो शिव। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा पापी से पापी जी उतर जाता है, हाँ एक बेलपत्र का पौधा जिंदगी में जिसने कहीं पर भी लगाया हो, घर पे नहीं लगा सकते, बाहर लगा, जंगल में लगा, तो कहीं जा रहे हो बगीचा पड़ जाए वहां लगा, पर लगाओ एक। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से व्यक्ति छूट जाता है, इस प्रपंच से छूट। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, जैसे आप नंदी पर बिठाकर देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर आए हो, एक बार मुझे नंदी पर बिठाकर जिस भूमि पर
सर्वाधिक वृक्ष बेलपत्र के हों, उस भूमि पर मुझे भ्रमण करा कर लेकर आइए, घुमा कर लेकर आ। अभी आपको कहा था जहां पर मयूरेश्वर विनायक विराजमान है, अष्ट विनायक में से एक, वो पूरा मोरगांव सद्दूर बेलपत्री के वृक्ष थे जहां पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कराने लेकर आए। एक स्थान पर शंकर भगवान पार्वती को लेकर बैठ गए, नंदी से कहा, नंदी तुम भ्रमण कर आओ, जब तक हम यहां विराजमान है। नंदी घूमने के लिए गए, नंदी उस बेलपत्री के वन में जब घूम रहे थे तो नंदी ने क्या देखा कि एक स्त्री कराह रही है, एक स्त्री कराह रही है। कराह का मतलब है कि वो पुकार रही है, करा रही है, कांप रही है, कोई दर्द होता है, कोई कष्ट होता है तो व्यक्ति कराहता है, करा। नंदी को समझ में नहीं आया कि ये कौन स्त्री है जो इतनी कराह रही है, ये कौन स्त्री है जो इतनी कांख रही है, इतनी चिल्ला रही है। थोड़ी देर बाद नंदी ने देखा कि स्त्री तो करा रही थी, थोड़ी देर बाद नंदी क्या देखते हैं कि वहां बहुत सारे मोर वो भी कराह रहे हैं, वो भी पुकार रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं, मोर भी कराह। अब नंदी को विचलित हुआ, आप लोग तो अष्ट विनायक की पवित्र भूमि पुणे में रहते हो, आप लोगों को तो यह कथा जरा ज्यादा याद होगी क्योंकि आप लोग मयूरेश्वर विनायक तो गए हो, गए हो सभी लोग तो गए हो, तो आप लोगों को यह कथा तो ज्यादा मालूम होगी। हम लोग तो केवल मुदगल पुराण की, मुदगल पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म विवर्त पुराण की, इन चारों पुराणों में से यह पवित्र कथा आपको सुना रहे। कोई आपसे पूछे कि गुरु जी ने अष्ट विनायक की कथा काय में से सुनाई, ये पूरा चरित्र काय में से सुनाया, तो आप कह सकते हो मुदगल पुराण में से श्रवण कराया, आप कह सकते हो ब्रह्म विवर्त पुराण में से, गणेश पुराण में से, शिव पुराण में से श्रवण कर, मुदगल पुराण कर रही है। बहुत सारे मोर करा रहे हैं, बहुत सारे मोर करा, एक स्त्री कराहती। नंदी के मन में भाव आया कि स्त्री करा रही है, स्त्री पुकार रही है, स्त्री रो रही है, तो नंदी के मन में आया कि ये स्त्री करा रही है, इससे जाकर पूछूंगा। पर थोड़ी देर में नंदी ने क्या देखा कि बहुत सारे मोर भी करा रहे हैं, बहुत सारे मोर भी रो रहे हैं, बहुत सारे मोर भी पुकार रहे हैं, वो भी कराहने में लगे। नंदी विस्मय में पड़ गए, विस्मय में पड़ गए। अब थोड़ी देर बाद नंदी विस्मय में पड़े, तो नंदी ने देखा क्या, जो स्त्री कराह रही थी वो नदी का रूप ले लेती है। मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने जाओ तो वो मयूरेश्वर विनायक कौन सी नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे कराह नदी के तट पर। कौन सी नदी है? कराह नदी। स्त्री ने नदी का रूप ले लिया। थोड़ी देर बाद नंदी ने देखा कि मोर ने बेलपत्र के वृक्ष का रूप ले लिया, किसी ने कोई दूसरे वृक्ष का रूप ले लिया। अब तो नंदी और विस्मय में पड़ गए, कभी ये स्त्री बन जाती है, कभी ये मोर बन जाते हैं, कभी पेड़ बन जाते हैं, ये गजब का वन है, ये मोर गांव तो बड़ा गजब का गांव है, बताओ ये तो बड़ा विचित्र वन है, विचित्र गांव है, जहां पर लोग इस वन में कभी वृक्ष बन रहे हैं, कभी मोर बन रहे हैं, कभी स्त्री बन रही, कभी नदी बन रही। चिंता बढ़ी, टेंशन बढ़ी, चिंता व्याप्त। अब नंदी से रहा नहीं गया, तो नंदी तुरंत देखकर उनको तुरंत दौड़कर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। शिव जी बैठे थे पार्वती जी के साथ, पार्वती जी का भी ध्यान नहीं गया कि देवाधिदेव महादेव ने समाधि ले ली है, देवाधिदेव महादेव ने तब साधना में लीन हो गए, नेत्र बंद कर लिए शंकर भगवान ने। कोई कोई होता है, कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते पति भी तब साधना में डूब जाता है, पत्नी कहती रहती है सुनो आज में कैसी लग रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो तब साधना में लीन है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, चलते जा रहा है। पत्नी बोल रही है सुनो आते आते अपन बच्चों के लिए यहां से कपड़े खरीद लेंगे, अच्छा मॉल खुला है। पति के ध्यान में, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तब साधना में लीन है, समाधि में लीन है। पत्नी बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, और जब फिर पत्नी चिल्ला के बोली तब तब साधना टूटी, तब कल कल वो कल सारी दुनिया में हिंदी दिवस मनाया, बोलो, अरे बोलो तो जमके, मनाया कि नहीं मनाया, कौन सा दिवस था? हिंदी दिवस। लोग कहते हैं अंग्रेजी भारी होती है,
अंग्रेजी बड़ी प्रबल होती है, हम भारत के निवासी कहते हैं हिंदी बड़ी प्रबल होती है। तो उन्होंने, किसी ने पूछा हिंदी कैसे प्रबल होती है, हमने कहा किसी के भी घर में चले जाओ, जब झगड़ा हो रहा हो तो पत्नी एक ही बात कहती है, बार बार नहीं समझाऊंगी, एक बार अच्छी हिंदी में समझा दी ना तो फिर मत बोल। बस कुत्ते में पति समझ जाता है कि हिंदी बोल्ड है, हिंदी प्रबल है। फिर निवेदन करेंगे, माथे पर बिंदी, मुख में हिंदी, ये भारत की निशानी है, ये भारत का गौरव है, भारती की निशानी है। मस्तक पर बिंदी हो और मुख में हिंदी, बहुत जरूरी है, ये भारत गौरव का एक आनंद है, होना चाहिए। मेरी माताओं से तो हम निवेदन करते हैं, कितना आप लोग तो खैर महाराष्ट्र में रहते हो, हाँ और जगह में भी, तो हम कहने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। महाराष्ट्र की माताएं तो वैसे भी कंकु की बिंदी जब पंडरपुर जाती है, और पंडरपुर में जब रुक्मणी जी के माथे पर बड़ी सारी कंकु की बिंदी देखती है, तो माताएं भी उतनी बड़ी बिंदी महाराष्ट्र की माताएं लगाती हैं बड़ा, और नथ भी इतनी बड़ी माता बड़े प्रेम से पहनती हैं, तो उससे गौरव आता है, बहुत सुंदर श्रृंगार मेरी माताओं का होता है, ये गौरव है मेरे भारत। इधर चले जाओ साउथ में, तो एक सब्जी बेचने वाली माता भी माथे पर बिंदी लगाकर, तिलक लगाकर माथे में, वो क्या बांधती है, हाँ कजरा, नहीं गजरा, हाँ ठीक है, वो यहां लगा लेती है माथे पर लगा। फिर वही वाली बात आ गई स्वामी विवेकानंद जी से, विदेश में किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ स्त्रियां हाथ नहीं मिलाती, तुम्हारे यहाँ स्त्रियां किसी के सामने नहीं आती, तुम्हारे यहाँ स्त्रियां किसी पुरुष से बात नहीं करती। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से बात करती है, तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से हाथ मिलाती है, तुम्हारे यहाँ की रानी किसी पुरुष से बात करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तब वो विदेशी कहता है वो रानी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमारे भारत की एक एक महिला रानी है, इसलिए हाथ नहीं मिलाती है। भारत की एक एक महिला रानी है, वो किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से फालतू बात नहीं करती, वो रानी है, अपने अपने घरों की रानियां हैं। और शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा करें, शिव जी लीन हो गए, तब साधना में लीन, समाधि में लीन हो गए, पार्वती जी को ध्यान नहीं रहा, पार्वती जी बोले जा रही है, इधर नंदीश्वर आ गए, नंदीश्वर ने आकर जमकर आवाज लगाई, हर हर महादेव, जो आवाज लगाई नंदीश्वर ने, शिव जी का ध्यान नहीं टूटा, शिव जी की समाधि नहीं टूटी, शंकर भगवान ने नहीं देखा कि कौन ने पुकारा, पर पार्वती जी ने देख लिया, और पार्वती जी ने देखते से ही तुरंत पूछा, पार्वती जी ने पूछा, नंदी क्या बात है। नंदी जी कहते, मेरे मन में संशय आ गया, बहुत बड़ा संशय है मेरे मन का, बहुत बड़ा संशय, क्या संशय है क्या, बस मैंने अभी, आपने मुझे कहा कि भ्रमण कर करा, भोलेनाथ जी बोले मैं भ्रमण करने के लिए गया, जंगल में देखा तो वृक्ष मोर का रूप ले रहा है, मोर वृक्ष का रूप ले रहा है, एक नदी स्त्री का रूप ले रही है, एक स्त्री नदी का रूप ले रही है, और कराह रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, करा रहे हैं। कारण क्या है, पार्वती जी ने नंदी से पूछा कारण क्या है, नंदी बोले हमें ज्ञात, हमने पूछा तो कोई बताने को तैयार नहीं, करा रहे बस। इतने में पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा नंदी के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, शिव जी तो तप साधना में लीन थे, एक उत्तर नहीं दिया भोलेनाथ ने। पार्वती मैया जान गई कि भोले बाबा तो तप समाधि में लीन हो गए। लोग कहते हैं मयूरेश्वर विनायक जहां विराज रहे हैं वहां केवल गणेश जी हैं, याद रखना मयूरेश्वर विनायक के मंदिर में केवल गणेश जी नहीं है, मयूरेश्वर विनायक के बाहर जो नंदी बैठा है वो शिव के ही प्रतिबिंब के रूप में विराजमान है, शिव के रूप में। पूरे भारत की भूमि पर कहीं पर भी भ्रमण कर लेना, गणेश जी के मंदिर के बाहर नंदी नहीं मिलेगा। कौन कौन गया है मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने, है कि नहीं नंदी, केवल एक, पूरे भारत की भूमि पर केवल एक गणेश का मंदिर, एक विनायक का मंदिर ऐसा है जिनके बाहर नंदी विराजमान है। वो नंदी क्यों है, उसका कारण या शास्त्र का। ये पुणे की भूमि, ये पुणे की जो धरा है, ये पुणे की जो भूमि है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है, यहाँ बहुत देवताओं ने आकर तप साधना करी, मेरे महादेव की पवित्र भूमि है। एक शिवलिंग का वर्णन तो हमने अभी पिछली कथा में भी वर्णन किया था, पुणे के पास में
पुणे से शायद औरंगाबाद जाते हैं तो वहां एक शिवालय पड़ता है जहां भक्त के लिए नंदी थोड़ा सा खसक गया, उस शिवलिंग का भी हमने वर्णन किया। यहाँ नजदीक इतने शिवालय पुणे के इस पावन धारा के आसपास में, जितने शिवालय का दर्शन करोगे, जितने अष्टविनायक का दर्शन करोगे पुणे के आसपास के क्षेत्र में, कहीं भ्रमण के लिए जाना, लोग कहते हैं हिल स्टेशन चलो, घूमने चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, हम उनसे कहते हैं एक बार पुणे में आइए और किसी भी शिवालय में बैठ जाइए, आपको वही हिल स्टेशन का आनंद आएगा। जिस शिवालय में बैठोगे शंकर की भक्ति में, उस आनंद को आप पाओगे, उस भक्ति को आप पाओगे, शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज अब पार्वती माता बोल रही है, शिव सुन नहीं रहे, शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। पार्वती जी ने नंदी से कहा, नंदी तुम एक काम करो, जाओ जाकर जरा मालूम करो कि उस स्त्री को दुख क्या, उन मोरों को तकलीफ क्या, क्यों करा रहे हैं, पूछो जरा जाओ। नंदी फिर गए और अब की बार जो नंदी गए तो भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण करते करते स्मरण कर। और शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया। तो अभी हम गाएंगे नहीं, हो तुम लोग तो पूरी तैयारी करके तुम गाए और